प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन रंकार जी। सात संगत जी, आज महाराष्ट्र समागम के दूसरे दिन आप सत्संग का आनंद ले रहे हैं। सुबेरे आपने सेवा दल की रैली का भी आनंद लिया। रैली के दौरान आपने देखा साइड पे दो रोप्स लटकी हुई थी और कुछ बच्चियां उन पे इतनी आसानी से ऊपर और नीचे होके उन पे फॉर्मेशंस बना रही थी और उनके स्माइलिंग फेसेस और रिलैक्स्ड फेसेस देख के ऐसे लग रहा था कि इट्स अ वेरी इजी जॉब फॉर देम एंड दे वर डूइंग इट सो कंफर्टेबली। और हम देख के हमें लग रहा था कि ये इतना मुश्किल काम ऐसे रिलैक्स होके कैसे कर रही हैं ये बच्चियाँ। उनके लिए ये पॉसिबल इसलिए हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी समय से लग रहा था इसकी प्रैक्टिस कर रही थी और आसपास जो भी हो रहा था उसका उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। साध संगत जी, इसी प्रकार संत जन नंकार का आधार लेके सेवा सिमरन सत्संग करते हुए किसी चीज़ की आसपास उनके क्या हो रहा है परवाह नहीं करते और अपनी ज़िंदगी की हंसते हंसते हर हर्डल को क्रॉस कर लेते हैं। साध संगत जी, मुंबई को माया नगरी भी कहते हैं। आपने बाबा जी से भी सुना, बाबा जी ने फरमाया ज़िंदगी ऐसे जियो कि जैसे एक्टिंग कर रहे हो और एक्टिंग ऐसे करो कि जैसे ज़िंदगी जी रहे हो। सात संगत जी, एक अच्छा एक्टर जब स्टेज पे आता है या स्क्रीन पे आता है और वो उसको अच्छी नेचुरल एक्टिंग करता है तो सब कहते हैं ये कितना नेचुरल वे से कर रहा है, जैसे सची मुची अपनी लाइफ जी रहा है। वो सिर्फ इसलिए कर पाता है कि वो डायरेक्टर जैसे करने को बोलता है वैसे ही करता है, अपने किरदार से नहीं जुड़ता, ना ही उस फिल्म में जो हो रहा होता है या कोई अप एंड डाउन उस फिल्म में आते हैं उसका अपने जीवन पर कोई असर नहीं लेता। और दूसरी ओर अगर कहे कोई कहे मैं ऊपर से तो अच्छी एक्टिंग कर लूँगा पर अंदर से मैं एक नेक इंसान नहीं एक बुरा व्यक्ति रहूँगा, तो साध संगत जी स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं चलता। भक्ति तो एक जीवन जीने का ढंग बनाना पड़ता है, वी हैव टू लिव इट। फिर इसमें तो वही बात आ गई जैसे सुबह भी आपने सुना कि वो एक व्यक्ति कोई दुकान खोलता है तो उसमें सामान तो बहुत अच्छा डालता है पर जो उसकी अप्रोच होती है दुकान की वो बहुत टूटी फूटी सड़क है, दुकान के आगे कचरा पड़ा हुआ है, तो सामान भले अच्छा हो पर उस दुकान पे जाना कोई पसंद नहीं करेगा। और दूसरी ओर एक व्यक्ति दुकान खोलता है उसकी अप्रोच तो बहुत अच्छी है पर जो उस दुकान में सामान है वो सब पुराना है तो उस दुकान में भी कोई जाना पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार भक्त का जीवन अंदर बाहर से एक जैसा होना चाहिए जिसे देख के सब अट्रैक्ट हों और उसकी तरफ आएं। साध संगत जी, हमें अंदर बाहर से एक संत वाला जीवन जी के दुनिया की चकाचौंध में नहीं आना, ना ही किसी की बात का असर लेना है, बस एक नेक गुरसिख वाला अंत समय तक अपना जीवन जीते रहना है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन रंकार जी।